अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्का बर्गर बनाने की रेसिपी। काफ़ी सिंपल स्टेप्स में ये पनीर टिक्का बर्गर घर पे बन जाता है। पनीर सभी को बहुत पसंद आता है और पनीर टिक्का तो और भी लाजवाब होता है। आप इस पनीर टिक्का को घर पर ज़रूर बनाएं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पनीर टिक्का बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है 1 कप गाढ़ा दही। तो दही को एक सूती कपड़े में रख के करीब 2 घंटे के लिए उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लिया है। डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार और सारे सूखे मसाले जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस मैंने डाल दिया है यहाँ पर। अब डालूंगी 2 बड़े चम्मच चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच मैदा। यहाँ पर मैं मैदा और चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ जिससे कि इस पेस्ट को एक बाइंडिंग मिल जाएगी और चावल के आटे से पनीर टिक्का क्रिस्पी बनेगा। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा ड्राई लगे तो दही का ही पानी जो अलग हुआ है उसे थोड़ा थोड़ा करके आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। काफ़ी लोग इसमें बेसन भी यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि बर्गर बना रही हूँ तो बेसन का फ्लेवर बर्गर में ना आए इसीलिए यहाँ पर मैं बेसन यूज़ न करके मैदा और चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में ये बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसमें कुछ सब्जियाँ डाल दूंगी जैसे कि पतले स्लाइसेस में कटा हुआ ये शिमला मिर्च, तो एक रिंग के रूप में मैंने काटा है और इसी तरह से पतले स्लाइसेस मैंने प्याज और टमाटर को भी काट लिया है। इनको मैं एकदम हल्के हाथों से दही के इस मिक्सचर से मिक्स कर लें और हर एक पीस दही के इस मिक्सचर से अच्छे से लिपट जाए। इसके बाद पनीर के स्लाइसेस मैंने यहाँ लिए हैं, ये देखिए एकदम बर्गर बन के साइज़ का। तो इस तरह से दही का जो मिक्सचर है उसे भी पनीर के स्लाइस के ऊपर अच्छे से कोट करके अब इन सारी चीज़ों को मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी करीब 30 से 40 मिनट के लिए। अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए, सारे मसाले सब्जियों में और पनीर में सोख हो जाए। तो उसके बाद इन सब्जियों को और पनीर को एक फ्राइंग पैन में मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसमें एक एक स्लाइस पनीर का और एक एक स्लाइस सारी सब्जियों का लेकर अच्छा सुनहरा होने तक और क्रिस्प होने तक मीडियम आंच पर फ्राई कर लें। यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने ज़रा सा बटर यूज़ किया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है इन सब्जियों में से, एकदम तंदूरी वाला। तो इन सारे मसालों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर तंदूरी मसाला आपके पास ना हो तो इस तरह से मसाले को घर पर ही मिक्स करके जैसे कि मैंने बनाया है आप बना सकते हैं, या तो फिर बाज़ार का ख़रीदा हुआ तंदूरी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पनीर एक तरफ से थोड़ा फ्राई हो गया है तो मैंने उसे पलट लिया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं चाट मसाला छिड़क लूँगी जिससे कि काफ़ी अच्छा चटपटापन आ जाएगा इन स्लाइसेस में। उसके बाद एक बार ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इनको मैं तवा पर से निकाल के एक प्लेट में ले लूँगी। तो यहाँ पर हमारे सारे स्लाइसेस अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं। बर्गर बनाने के लिए बर्गर के बन को इस तरह से 2 स्लाइसेस में काट लें और इनको भी थोड़ा सा बटर लगाकर हल्का सा टॉस कर लें जिससे कि इसमें भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा और जो बर्गर है वो ड्राई नहीं लगेगा खाने में। तो एक बार ये टॉस हो जाए उसके बाद बर्गर बंस में लगा लेना है बर्गर मेयोनीज़। बर्गर मेयोनीज़ की जगह आप अपने पसंद की कोई भी फ्लेवर वाली मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेयोनीज़ घर पर बनाना काफ़ी आसान है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं और बहुत ही टेम्पटिंग लग रही हैं और सच मानिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आ गया है इसमें। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बटर लगाकर तवे पर बर्गर के बन को भी हल्का सा सेक लूँगी जिससे कि उसमें भी एक बटरी टेस्ट आ जाएगा और खाने में ड्राई बिल्कुल नहीं लगेगा। बर्गर बन की जगह आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बर्गर बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके पहले मैंने 3 वैरायटी के बर्गर बनाना बताया है, ब्रेड बर्गर, तवा बर्गर और आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है तो उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्गर बन को मैंने थोड़ा सा टॉस कर लिया। अब ये जो बर्गर मेयोनीज है इसे मैं थोड़ा थोड़ा सा बर्गर के इन स्लाइसेस पर लगा लूँगी। उसके बाद सब्जियों को और पनीर को
बर्गर बन के एक स्लाइस पर असेंबल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है पनीर का स्लाइस, उसके बाद प्याज शिमला मिर्च और टमाटर का स्लाइस इस तरह से रख दूँगी, उसके बाद एक चीज़ का स्लाइस रख देना है। अगर आप चाट मसाला पहले नहीं डाल रहे हैं तो इस समय भी चाट मसाला थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। मेयोनीज़ की जगह आप चाहें तो कोई भी चटनी धनिए की यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए चीज़ स्लाइस मैंने रख लिया। तो यहाँ पर हमारा पनीर टिक्का बर्गर बनके तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। पनीर टिक्का हेल्दी होता भी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।